हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सबको सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे जीके के 5 क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? जीके के 5 क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, और 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों जल दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों पर्यावरण दिवस। ठीक है, नाथद्वारा। प्रश्न नंबर 2, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? नाथद्वारा का मूल नाम क्या था दोस्तों? नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़। क्या नाम था दोस्तों? सिहाड़। ये स्थान सिरनाथ जी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ सिरनाथ जी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये एक पर्यटन स्थल है, घूमने और सिरनाथ जी के दर्शन करने के लिए विदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं दोस्तों। कहाँ? सिरनाथ जी। ठीक है, नाथद्वारा। क्या मूल नाम क्या था? सिहाड़ नाम था दोस्तों। क्या नाम था? सिहाड़ नाम था। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बटाड़ू का कुआ, जो कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में, जो 7 फीट तो लंबा है दोस्तों और 35 फीट क्या है दोस्तों चौड़ा, और 6 फीट क्या है? 6 फीट है दोस्तों ऊंचा। क्या है? 6 फीट है ऊंचा, 60 फीट क्या है लंबा, और 35 फीट क्या है चौड़ा, और 6 फीट क्या है ऊंचा है दोस्तों। कहाँ है ये? बाड़मेर में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों मांड है जैसलमेर का प्राचीन नाम है। क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों धौलपुर दोस्तों। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? कोठी। ठीक है दोस्तों, ओके।